हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है एक छोटे से सेटअप का साउंड टेस्टिंग का है, जिसमें हम 650 वाट के चार बेस या फिर कहें उसका दो डबल बेस यूज कर रहे हैं। और आहूजा का जो 800 वाट का डोट ऑफ है उसका हमने दो पीस यूज किया है इस सेटअप में। वहाँ पर दोस्तों साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। और ये सेटअप जो है हम सोनाडूला में यूज़ किए थे, सोनाडूला में बर्थडे पार्टी था तो वहाँ लगाया हुआ था मैंने। तो चलिए उसका साउंड टेस्टिंग आपको दिखाता हूँ। उसके लिए जो मैंने एम्पलीफायर यूज़ किए थे वो सबसे पहले बताता हूँ। बेस के लिए जो है मैं आहूजा का LX4500 एम्पलीफायर यूज़ किया हूँ। तो उसमें जो है पर चैनल मैं एक डुअल बेस चला रहा हूँ। और टॉप के लिए मैंने आहूजा का 1800 वाट का मशीन का यूज़ किया है, जिसमें पर चैनल जो है मैं एक टॉप चला रहा हूँ, जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आप जब हेडफोन लगा करके ये वीडियो देखेंगे साउंड टेस्टिंग का, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें वहाँ पर साउंड क्वालिटी मिल रहा था। तो चलिए हम इसका वीडियो देखते हैं। Come on.
आपने इस वाले सेटअप का साउंड टेस्टिंग, साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा बिल्कुल बताना। तो अगर आप भी 650 वाट के आहूजा के स्पीकर का यूज कर रहे हैं तो आप बताइए उसका रिस्पांस आपको कैसा लगता है। कहने का मतलब जो आहूजा का डबल बेस आता है 650 वाट का, इसका क्वालिटी आपको कैसा लगता है और आप इसके लिए कौन से एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, ये भी हमारे साथ शेयर करते जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप आहूजा के पावर एम्पलीफायर मतलब मॉस्फेट जो कि एलएक्से या डीएक्से सीरीज का है उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे जो हमारे नए भाई हैं, जो नए मेंबर्स हैं डीजे लाइन में, इन एम्पलीफायर्स या स्पीकर सिस्टम के बारे में पता चले, बिंदास होकर के अपना डीजे सेटअप तैयार कर सकें। और ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको आहूजा का ही प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन जो है हमारे वीडियो देख करके आपको जो सीखने को मिलता है डीजे सेटअप के बारे में, उससे जो आपका हेल्प होता है वो सबसे बड़ी बात है। और मेरा हमेशा कोशिश रहता है दोस्तों कि मेरे हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलता रहे, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।